कई लोगों को लगता है कि IVF ट्रीटमेंट यानी बहुत लंबा सफ़र है और इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। 1.5 से 2 महीने के कालावधि में अपन IVF की ट्रीटमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं तो जाने कि देखिए, IVF करने से पहले IVF प्री ट्रीटमेंट यानी आपको कुछ गोलियां दवाएं दी जाती हैं ताकि आपके स्त्री बीज की क्वालिटी या पुरुष बीज की क्वालिटी अच्छी हो सके और IVF के दौरान हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। उसके बाद आता है इंजेक्शन या फिर गोली दवाएं प्लस इंजेक्शन देना ताकि आपके बीज अच्छे बढ़ सके, जिसे हम बोलते हैं ओवुलेशन इंडक्शन। इसमें काफ़ी सारे इंजेक्शन्स रोज लगाए जाते हैं ताकि आपके अंडकोश में बीज अच्छे बढ़ सके। और फिर आता है ओवम पिकअप। ओवम पिकअप यानी हम दोनों अंडकोश में बूल के अंडर दोनों स्त्री बीज, दोनों अंडकोशों में से स्त्री बीज बाहर निकाल कर लैब में रखते हैं। और उसके बाद आता है ICSI यानी कि प्रेगनेंसी या गर्भ तैयार करना, जिसमें कि हर एक स्त्री बीज में एक एक पुरुष बीज डाला जाता है और प्रेगनेंसी तैयार की जाती है। ICSI के प्रोसीजर हो जाने के बाद हम अगर वो एम्ब्रियो को 5 दिन तक बढ़ने के लिए इनक्यूबेटर में रख देते हैं और 5 दिन के बाद अगर अच्छे गर्भ या भ्रूण तैयार हो गए होंगे तो अगर हमें फ्रेश ट्रांसफ़र करना है तो हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अगर फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करना होगा तो हम ये सारे एम्ब्रियोज फ्रीज कर देते हैं। अगर सब एम्ब्रियोज हमने फ्रीज कर दिए हैं तो फ्रीजिंग के बाद पेशेंट के अंदर की अस्तर यानी यूट्रस के अंदर का लाइनिंग हम तैयार करते हैं और फिर बाद में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी ये एम्ब्रियोज को थॉ करने के बाद यानी डी कूल करने के बाद हम फिर अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। तो डरने की बात नहीं है, IVF या ICSI में 6 सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि एक के बाद एक किए जाते हैं और 1.5 से 2 महीने के अंदर हम ये प्रोसीजर पूरे कर सकते हैं।